डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ क्लास सिक्स का मैथ है, एक्सरसाइज 7.4। इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या कह रहा है, मैक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्राइट साइंस। और इसी तरह का जो है पेयर यहाँ पे जो बना हुआ है, इसी तरह का 5 और पेयर बनाने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हालांकि नहीं आता एग्जाम वगैरह में, लेकिन आप बना सकते हैं। जो पेयर यहाँ दिया हुआ है उसी तरह से बना दीजिए। यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, 3 की जगह 4 और यहाँ 6 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो यहाँ पे 5 है तो वहाँ 6 कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये छोटा हो जाएगा। इस तरह से ये यहाँ पे 6/6 कर देते हैं। फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 कर देते हैं, एक पेयर हो गया। इस तरह 2/7 कर देते हैं, और यहाँ पे 2/4 कर देते हैं। तो जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, इसमें बदलाव नहीं आएगा। तो ये 2/4 इस तरह से हो गया। तो इस तरह से मतलब कई सारा पेयर, थोड़ा सा इधर उधर करके पेयर 4-5 जितना चाहे बना सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में लुक एट द फिगर्स राइट एंड राइट, ये है लेस देन और ग्रेटर देन, या फिर यहाँ पे इक्वल बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। नीचे में दिया हुआ है इसका, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। नीचे में इसको, ये फिगर को देखना है और इसको यहाँ पे सही साइन भरना है। तो ये फिगर जो है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसके लिए है। तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, मैं तो यहाँ आप लोगों को बतला ही रहा हूँ। आप लोगों को देखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे देख रहे हैं 0/1 हो गया, 1/1 हो गया, फिर इसको 1 पार्ट में, ये 2 पार्ट में बांट दिया, ये 3 पार्ट में बांट दिया, यहाँ पे 4 पार्ट में, और ये 5 पार्ट में, यहाँ पे 6 पार्ट में, और यहाँ पे 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6। तो यहाँ 1 का वैल्यू हुआ, यहाँ 0, यहाँ पे 1। तो जितना डिनोमिनेटर बना हुआ है उतना पार्ट में ये बटा हुआ है 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे हमको छोटा बड़ा करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेथड मैंने बतलाया था आपको, उसी मेथड को लगाना है। तो फिर से मैं एक बार बतला देता हूँ, बाकी मैं हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 1/6, और इसको ऐसे करना है 1/3, ये है। तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा 6, यहाँ पे 6 आ गया, और 3 1 जा 3। तो मतलब इस फ्रैक्शन का वैल्यू 3 है और इस फ्रैक्शन का वैल्यू 6 है। तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ। तो इसको ऐसे लगाते हैं तो ये फ्रैक्शन भी बड़ा हुआ। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लगाएंगे, हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फिर भी हम बना सकते हैं इस मेथड से। तो इस मेथड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4 2 जा 8 हो गया इधर, और 6 3 जा 18 हो गया। तो 18 बड़ा होता है, यहाँ पे 8 छोटा होता है। तो ये बड़ा हुआ, तो ये इसको हम बड़ा का साइन इधर, ये हो गया। यहाँ पे सी नंबर में या नंबरेटर जो है वो इक्वल है, तो ये कैसे काम करेगा। नंबरेटर जब इक्वल रहता है तो क्या होता है, नीचे वाला जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो ये छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो हम इसको इस तरह से लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, और 4 2 जा 8 हो गया, इधर 6 आया इधर 8 आया, तो ये 8 बड़ा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है। अब यहाँ पे, यहाँ ये दोनों भी इक्वल नहीं है, और यहाँ ये दोनों भी इक्वल नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं क्या, यहाँ पे 6 ऐसे भी देख सकते हैं, 6 1 जा 6, इसका वैल्यू 1 हो गया, और इसका वैल्यू 1 हो गया। तो 1 1 इक्वल वैल्यू हो गया, इसका मतलब इक्वल साइन आएगा इसमें, इक्वल साइन। इसके अलावा आप इधर से भी देख सकते हैं, 6 3 जा 18 और 3 6 जा 18, दोनों में 18 18, मतलब इक्वल हो गया। अब यहाँ पे 6 5 जा 30 हो गया, और 5 5 जा 25 हो गया, मतलब 25 छोटा होता है, 30 बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। और मैक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम विद योर फ्रेंड्स। तो इस तरह का और 5 पेयर बनाने के लिए बोल रहा है, और उसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो इसको आप खुद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल अप्रोप्राइट साइन, ये तीनों साइन में से जो आएगा इसको भरना है, और आप जल्दी कैसे कर पाएंगे। तो जो मेथड मैंने बताया है उस हिसाब से जल्दी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऊपर में जो है इक्वल है नंबरेटर, इसका मतलब जो छोटा है वही बड़ा, और जो बड़ा है वो छोटा, मतलब ये बड़ा है। तो इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 जा 12 हो गया, और 4 3 जा 12, दोनों तरफ 12, मतलब इक्वल हो गया, इक्वल। अब यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया। तो 10 बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, मतलब ये जो है बड़ा हो रहा है, तो इसको बड़ा करते हैं।
अब यहाँ पे डिनोमेटर सेम है, तो जो बड़ा वही बड़ा, तो ये बड़ा है इसको बड़ा कर देते हैं, और यहाँ भी डिनोमेटर सेम है, इसका मतलब जो बड़ा वही बड़ा, तो ये बड़ा है, तो इसको इस तरह से हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जी नंबर में यहाँ पे कौन बड़ा होगा, 1/4 और 2/8, तो ये तो अगर काटते हैं इसको तो 1/4 ही आएगा, तो फिर इसका मतलब इक्वल है, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 4 2 8 इधर आ रहा है, 8 1 8 दोनों तरफ 8 ही आ रहा है, मतलब ये इक्वल है। और यहाँ पे क्या करना है इसको, इधर आ गया 10 4 40 आ गया, और इधर अब 5 6 30, इधर 30 इधर 40, मतलब ये बड़ा है, तो इसको बड़ा कर देते हैं 40 को। और यहाँ पे 7 4 20 8, मतलब 4 7 20 8, इधर 28 आया, और इस तरह से लेते हैं ऊपर वाला जो आएगा उधर उसका वैल्यू बनेगा, तो 8 3 8 3 24, और यहाँ पे 28, मतलब ये बड़ा हो रहा है, ये फ्रैक्शन बड़ा है, तो इसको बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे 10 3 30 हो गया, और 5 6 30 दोनों ही इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन इक्वल है। अब यहाँ पे टेबल पढ़ना है, तो टेबल पढ़ने में कितना होगा, 15 15 7 तो ये इधर जाएगा, तो कितना हो गया 105 105, चलिए लिख भी लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 21 5 तो 5 कितना आ रहा है, 5 1 5 हो गया, और 5 2 10 आ गया, तो यहाँ पे इतना हो रहा है 105, इधर भी 105 105, तो इसका मतलब है कि इक्वल है, ये इक्वल हो गया। इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी जल्दी।